रियल स्टेट के बिजनेस में आने वाले कॉमन ऑब्जेक्शंस। कई दिनों से कई लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, इन ऑब्जेक्शंस को कैसे पहचाने या कितने प्रकार के अलग अलग ऑब्जेक्शंस रियल स्टेट के बिजनेस में एक बिल्डर को, एक डेवलपर को, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर को या एक एम्प्लॉय या एजेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस, 95% से ज्यादा टाइम जब भी आप किसी कस्टमर से मिलेंगे, किसी क्लाइंट से मिलेंगे, चाहे वो आपके फोन कॉल के दौरान हो, चाहे वो साइट विजिट के दौरान हो, चाहे वो क्लोजिंग के दौरान, तब आपको कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं। अब ये ऑब्जेक्शंस अगर आप पहचानना सीख गए या अगर आपको पहले से ही पता है कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे जब भी आप क्लाइंट से मिलेंगे, साइट विजिट कराएंगे, कॉलिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, सो आपके लिए रियल स्टेट में एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो करना ईजी हो सकता है। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते, अगर आप हर विजिट को इफेक्टिव बनाना चाहते, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का, इसे एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर, बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत सारे रियल स्टेट के बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एम्प्लॉयज एजेंट से बात करने के बाद ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारे कस्टमर से जो 16 साल में हमारी कंपनीज में अलग अलग हमने डील्स की, जो खुद हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जिन कस्टमर से बात की, चाहे हमारा लेआउट हो, चाहे हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, या जब हम एक समय मार्केटिंग का बहुत बड़ा वर्क कर रहे थे और जो एक हमारी कंपनी डेडिकेटेडली सोल मैंडेट पे काम करती है, उस दौरान जो कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सबको हम आपके सामने आज लेकर आए। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन हर किसी को आता है और ये एक भारत में स्पेशली आने वाला कॉमन ऑब्जेक्शन है। कस्टमर आता है, आपने उसे एक प्रोजेक्ट शो किया, मान लीजिए आप एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो टाउनशिप का। अब इस टाउनशिप में आपके पास मान लीजिए 800 से 900 अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट्स है, आपके पास स्टैंडर्ड कैटेगरी के फ्लैट्स है, मान लीजिए जो 900 से 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK, और आपके पास प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैट्स है जो 1100 फुट से लेकर 1600 1700 फुट तक के 2 and 3 BHK का मिक्स है, और कुछ बंगलोज भी है। अब क्लाइंट को आपने कॉल किया, बताया, उस समय हो सकता है वो ये सवाल ना पूछे, पर जब वो साइड विजिट में आता है तो जरूर पूछता है और बोलता है, ये सवाल, ये ऑब्जेक्शन आता है कि आपका प्राइस ज्यादा लग रहा है। तो प्राइस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आना ही है और आएगा ही। अगर आप प्रिपेयर्ड है, आपको पता है कि आप प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं, और कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपका प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन आना चाहिए कि अगर ज्यादा भी है तो क्यों है, क्या कारण है, आपकी क्वालिटी क्यों लोगों से अलग है, आपका लोकेशन क्यों मैटर करता है, इसमें आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना अगर आ गया, प्रॉपर समझाना अपने क्लाइंट को आ गया कि मेरा प्राइस इसीलिए ज्यादा है या मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा है, या मार्केट के कंपैरिजन में अगर उतना ही है तो भी क्यों है, तो अगर मार्केट से मैच कर रहा है तो मैच करते हुए प्राइस में आप क्या अच्छा दे रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट से ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, ऐसा क्या आप दे रहे हो जो मार्केट से अलग है, हटके, जिसकी वजह से आप एक और थोड़ा प्रीमियम प्राइस डिमांड कर रहे हो। अगर आपको प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन को किल करना है तो आपको अपने रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मैंने आपको टाउनशिप का एग्जांपल बताया था, मान लीजिए अब आपके स्टैंडर्ड फ्लैट है 32 लाख रुपए के, आपके प्रीमियम फ्लैट है 45 लाख से शुरू हो रहे, और आपके बंगले 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक के, इसी 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में। अब क्योंकि कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग है, वेरायटी बहुत सारी लोगों को अवेलेबल है, तो प्राइस का जस्टिफिकेशन बंगले महंगे क्यों है, स्टैंडर्ड थोड़े सस्ते क्यों है, प्रीमियम उसी हाइब्रिड प्रोजेक्ट में महंगे क्यों है, ये पूरा जस्टिफिकेशन आपके पास अगर है विद डिटेल, तो ये ऑब्जेक्शन को आप किल कर सकते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है किलिंग ऑब्जेक्शन इन एडवांस। सेकंड कॉमन ऑब्जेक्शन जो रियल स्टेट के बिजनेस में बार बार आते हैं, इट इज रिलेटेड विद पोजीशन। कब डिलीवर करोगे, आपने कहा 3 साल बाद पोजीशन मिलने वाला है, 2 साल बाद मिलने वाला है, नहीं मिला तो, ये कॉमन सवाल होते हैं। डिले हुआ तो, हमारी क्या सिक्योरिटी, ये क्लाइंट से आने वाले कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन पोजीशन से रिलेटेड। अब इसमें आप अलग अलग तरीके का जस्टिफिकेशन उन्हें दे सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए कि मैम इससे पहले हमने 10 प्रोजेक्ट किए, कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं, हमारे कस्टमर से बात कर सकते हैं। आप रेरा के टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा हर प्रोजेक्ट हमने रेरा से एटलीस्ट 40% कम समय में डिलीवर कर दिया, रेरा में तो 5 साल का पीरियड होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आंसर है जो आपको जस्टिफाई करना है, पर वो सच होना चाहिए। अगर आप सच बोलेंगे, ऑनेस्टी से बात करेंगे, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, वरना उनका ऑब्जेक्शन जो है वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उस ऑब्जेक्शन के वजह से वो डिसीजन लेंगे नहीं लेने का, और अगर कोई कस्टमर वापस चला जाता है तो आपका लॉस है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 तक आपने वीडियो को तो देख लिया, पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर
आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स में देखा है बहुत सारे लोग कंटेंट बहुत पसंद आता है, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरा ऑब्जेक्शन जो कॉमनली देखा गया है, दैट इज रिलेटेड विद लोन पेमेंट प्लान, दोनों कह सकते हैं, लोन और पेमेंट प्लान से रिलेटेड, कि पेमेंट प्लान मैं इतने कम समय में शायद ही पूरा पैसा बिना लोन के दे पाऊंगा, या लोन फैसिलिटी से रिलेटेड इस बैंक से है या उस बैंक से है, अगर HDFC से अवेलेबल है तो SBI से क्यों नहीं है, अगर SBI से अवेलेबल है तो HDFC से क्यों नहीं है। भारत में जो भी मेजर बैंक्स काम करते हैं, अगर तीन आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कस्टमर कहेगा उस बैंक से क्यों नहीं है जिसका नाम आपकी लिस्ट में नहीं होगा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। अब लोन फैसिलिटी उसके अलावा कितना परसेंट लोन मिलेगा, अगर 50 लाख का फ्लैट है तो क्या 95% भी लोन होगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको पेमेंट प्लान और लोन और बैंक्स का भी थोड़ा डिटेल होना जरूरी है, अगर आप सच में एक प्रोडक्टिव बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, क्लाइंट को क्लोज करना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों, ऑब्जेक्शन आपको एक मौका भी देता है, अगर ये कॉमन ऑब्जेक्शन हम बता रहे हैं ना, एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज एन एजेंसी ओनर, एज एन एम्प्लॉय या एजेंट, आपको मौका मिल रहा है ये समझने का कि किन चीजों में आपको एक्सपर्ट बनना है, क्या चीजों के आंसर्स देने हैं। चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन जो आता है, हिडन कॉस्ट, इसके अलावा और क्या कॉस्ट लगने वाला है, वाटर मीटर चार्जेस इतने क्यों हैं, इलेक्ट्रिक मीटर चार्जेस इतने क्यों हैं। हो सकता है Tier 2, Tier 1, Tier 3 सिटीज के हिसाब से क्वेश्चंस के पूछने के तरीके बदल सकते हो, कुछ क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लीगल फीस इतनी ही क्यों है, चाहे प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, ये सवाल तो आने ही है। तो हिडन कॉस्ट और कितनी है, मेंटेनेंस चार्जेस इतना क्यों है, क्लब हाउस का चार्जेस देना कंपलसरी है क्या, एमिनिटीज के लिए अलग से क्यों चार्ज कर रहे हो। अब ये जो सवाल आने वाले, अगर आपको पहले से पता चल जाए इस वीडियो के थ्रू कि ऐसे सवाल तो आएंगे, और अगर आप प्रिपेयर्ड है, अगर आप प्रॉपर आंसर देते हैं, विद डिटेल समझा पाते हैं, और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और अच्छे से आप समझा पाएंगे और सच बोलकर समझाएंगे, तो बहुत फायदा होगा आपको आपके कस्टमर के ऑब्जेक्शन को किल करने में। अगर ऑब्जेक्शन को किल कर दिया तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, सफलता जल्दी मिलेगी, डील क्लोज हो जाएगी, आपकी इनकम ग्रो करेगी, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डर्स क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन आता है, इसके पहले कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, कहां कहां बनाया, कब डिलीवर किया, डिले तो नहीं हुए प्रोजेक्ट, क्योंकि जब व्यक्ति इतना बड़ा पैसा लाइफ की कमाई, क्योंकि देखिए दोस्तों, फ्लैट हो या प्लॉट हो, लोग जिंदगी में 10-20 बार तो नहीं खरीदते, एवरेजन रिसर्च करके आप देखेंगे तो 2-3 बार मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, जिससे वो ले रहे हैं, उसका ब्रांड नेम कैसा है, इससे पहले कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, ये सब जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कस्टमर के लिए। तो ये ऑब्जेक्शन भी आएगा, उस केस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर बिल्डर 2004 से अपने बिजनेस को शुरू किया तो 2004 में पहला प्रोजेक्ट कहां बनाया था, 2006 में दूसरा कहां बनाया, कब डिलीवर किया, 2013 में कहां बनाया, कब डिलीवर किया, 2017 में कहां डिलीवर किया, अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, क्या रेट ऑफ रिटर्न्स एवरेजन देते हो। जब ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे तभी आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। और दूसरा, अगर आप एक एजेंट नहीं है, आप एक बिल्डर है, डेवलपर, एजेंसी के ओनर है, तो भी आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग के लिए व्यक्ति आपके पास आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फैमिली रन बिजनेस में जो व्यक्ति एज ए बिल्डर मिलता है, उसे भी पूरी हिस्ट्री नहीं पता होती। आप नए नए 3 साल से बिजनेस को ज्वाइन किया, पर आपने पूरा डेप्थ नहीं लेकर रखा है कि हमारे टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, कहाँ कहाँ हुए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने डिलीवर किए, क्या रेट ऑफ रिटर्न्स है। ये सब अगर डेप्थ नॉलेज के साथ आप कस्टमर के ऑब्जेक्टिव को हैंडल करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लोज ना हो। ये सब डिटेल नॉलेज के साथ अगर आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को सही हैंडल करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे न खरीदे। सो कस्टमर को सही तरीके से कैसे डील करें, कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर रखें, कस्टमर के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस के साथ कैसे हैंडल करें, ये प्रोसेस अगर आप समझ गए तो आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं एज अ बिल्डर, डेवलपर, एजेंसी के ओनर, एम्प्लॉय या ब्रोकर, कोई और ऑब्जेक्शंस अगर आपको आते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, हो सकता है आने वाले समय में हम उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए। दोस्तों, अगर किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपके लिए कोई कॉन्टेंट लेकर आए, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे कॉन्टेंट को पसंद करने के लिए, हमारी बुक को नेशनल बेस्ट सेलर बनाने के लिए, और एक और नई न्यूज दे रहा हूँ, हिंदी बुक भी रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च हो चुकी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।